अब मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर लगातार सियासत गर्मा रही है। वहीं इसे लेकर सपा और कांग्रेस अलग अलग बयान दे रहे हैं। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा दिखाते हैं आप इस रिपोर्ट में। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत लगातार गर्मा रही है। विपक्षी दलों के नेता मुख्तार अंसारी की मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया। स्वामी प्रसाद ने मुख्तार की मौत को स्वाभाविक ना बताकर हत्या की साजिश होने का अंदाजा जताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं हत्या की साजिश प्रतीत होती है। पहले डॉक्टरों के पैनल ने अस्पताल से डिस्चार्ज किया और कुछ घंटों के बाद ही मौत हो गई। परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या की साजिश की पुष्टि करती है। स्वामी प्रसाद ने आगे लिखा कि पूरे घटनाक्रम की जांच उच्च न्यायालय की देखरेख में होनी चाहिए, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम भी उच्च न्यायालय के किसी जज के अभिरक्षण में ही होना चाहिए, जिससे कि न्याय का गला घोटने वालों का चेहरा बेनकाब हो सके और थानों, जेलों, पुलिस अभिरक्षण में साजिशन किए जा रहे इस प्रकार के हत्याओं के फैशन पर विराम लग सके।